हेलो दोस्तों, जब भी कोई लड़का सपोज किसी लड़की को पसंद करता है, उसके साथ रिलेशनशिप में अभी नया नया आया है या उससे शादी करना चाहता है और वो अपने दोस्तों को इसकी जानकारी देता है, तो जनरली उसके दोस्त क्या सवाल पूछते हैं? वो यही पूछते हैं कि लड़की दिखती कैसी है, तुम पहले कहाँ मिले, यू नो, सो वेरी जनरल क्वेश्चन कि लड़की दिखती कैसी है। लेकिन यही सवाल अगर सपोज कोई लड़की अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करे अबाउट यू नो अ फ्रेंड, अ न्यू फ्रेंड और अ वुड बी और अ फियांसे, तो आपने देखा होगा जनरली द फर्स्ट क्वेश्चन इज लड़का करता क्या है। अब ठीक है, हम आजकल जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, सब समान है, लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन समान नहीं है। तो इस ये जो अंतर है दोनों सवालों का, ये डिफरेंट क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो तो आप बेहतर जानते होंगे। लेकिन इससे जो मुझे एक चीज़ समझ में आती है, खासकर अभी हमारे देश में, हिंदुस्तान में, यदि आप पुरुष हैं, यदि आप लड़के हैं, तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि आप अपना आने वाला जीवन कैसा चला पाएंगे, आपकी आर्थिक दशा कैसी रहेगी। और देखिए, अगर किसी कारणवश सपोज लड़की आपके प्यार में है और आपसे नहीं पूछती कि तुम क्या करते हो, तो लड़की के अगर पिताजी हैं तो उनका सवाल जरूर पहला ये होगा कि बेटा वो सब तो ठीक है, पहले ये बताओ करते क्या हो। अब ये सवाल देखिए, मुझे नहीं पता ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, लेकिन एक बेटी के पिता होने के नाते मुझे तो ये लगता है मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा अपने होने वाले दामाद से, भले ही गलत लगता हो कई लोगों को, लेकिन ये सवाल मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये मेरे बेटी के भविष्य का सवाल है, राइट? तो जितनी मर्जी जेंडर इक्वालिटी की बात कर लें, लेकिन जो पुरुष लोग मेरी बात को सुन रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि परिवार का ध्यान रखना, परिवार की खुशियों का ध्यान रखना, परिवार की स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का ध्यान रखना, ये आपकी जिम्मेदारी तो है ही, इससे आप नहीं बच सकते। इसलिए आपको अपना जीवन यदि सुखमय चलाना है और आदरपूर्ण चलाना है, तो आप क्या करते हैं उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखें, क्योंकि काम ही काम आता है, काम ही है जो बाकी सब काम बनाता है। तो द वर्क दैट यू डू मेक योर वर्क योर सिग्नेचर। और इन एनी केस, बाय द वे, सोने के अलावा अपने जीवन का सबसे ज्यादा भाग हम अपने कार्य क्षेत्र में लगाते हैं। चाहे आप एनजीओ में काम करते हो, चाहे आप अपना व्यवसाय करते हो, चाहे आप कहीं सर्विस करते हो, चाहे सरकारी करते हो, प्राइवेट जॉब करते हो, लेकिन सोने के अलावा जो सबसे ज़्यादा समय है वो आप अपने कार्य क्षेत्र में लगाते हैं। तो जिस कार्य क्षेत्र में आप सबसे ज़्यादा समय लगाते ही हैं, उसमें एक्सेलेंस, उत्कृष्टता तो हासिल करनी ही चाहिए, और इसी से मान है, इसी से सम्मान है, और इसी से सारी दुनियादारी चलती है। वर्क वर्क्स, काम ही काम आता है। Think about it.